सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी साथी स्वस्थ होंगे। साथियों, इस समय सुबह के ठीक 7 बज रहे हैं और हम निकल चुके हैं देखिए पहाड़ों की ओर, और सुबह हल्की हल्की धूप निकलती हुई पेड़ों के बीच से बहुत ही सुंदर दृश्य ये देखिए, गाड़ियाँ निकलती हुई। तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा रुके हुए हैं और ये जो पुल है, इस पुल के नीचे से जो है हेवल नदी बहती हुई, ये हेवल नदी जो है द्वारीखाल चेलुसैन सिलोगी के नीचे से होती हुई मोहनचट्टी से निकल करके ऋषिकेश गंगा जी में मिल जाती है, और ये यहाँ से जो है इधर नदी के एक तरफ द्वारीखाल ब्लॉक और नदी की दूसरी तरफ यमकेश्वर ब्लॉक है, और दोनों विकास क्षेत्रों के बीच में जो है ये हेवल नदी बहती हुई। देखिए गाड़ी से ये जो दृश्य दिख रहे हैं, पहाड़ों के नीचे नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, कितना सुंदर प्रकृति का नज़ारा देखने को मिल रहा है। ये देखिए ये हेवल नदी बहती हुई, यहाँ पे ये झूला पुल है उसके ऊपर, ये भी दोनों विकास क्षेत्रों को जोड़ता है। ये बहुत ही सुंदर दृश्य, और ये देखिए नदी के ऊपर आने जाने के लिए झूला पुल बना हुआ है, और ये बहुत ही सुंदर रास्ता। ये देखिए यहाँ पे जो है एक गांव का पानी का स्रोत है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मुझे इस पानी को देखकर के बड़ा आश्चर्य होता है कि यह पानी जो है गर्मियों में बिल्कुल ठंडा होता है, ऐसा लगता है कि जैसे हमने फ्रिज से निकाला होगा, और आजकल सर्दियों में गुनगुना रहता है, जैसे ऐसा लगता है कि हमने ये पानी जो है गर्म किया होगा। और ये पानी से जो है ये रास्ता गांव की ओर जाता हुआ बिल्कुल ही संकरा मार्ग, और चारों तरफ हरियाली, संकरा है लेकिन पक्का बना हुआ है, सीमेंट का बना हुआ रास्ता है ये, और देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारा, चारों तरफ हरियाली हरियाली। देखिए ये पहाड़ों का दृश्य, ये जो सामने हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे मालों के पत्ते हैं, मालों के पेड़ भी होते हैं और मालों की बेल भी होती है, बेलें जो होती है पेड़ों पे लिपटी हुई बहुत ही दूर दूर तक चली जाती है, और ये मालों के पत्ते हैं। देखिए इन मालों के पत्तों के उपयोग और जानकारियाँ पार्ट 2 में देंगे, तब तक आप लोग इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।